एक भक्त हुए श्री रामदास जी। डाकोर धाम एक स्थान है जहां पर रणछोर राय की पूजा भी होती है। तो रामदास जी महाराज डेली जाते थे वहां पर। एकादशी के दिन रात्रि भर का अखंड संकीर्तन होता था, जागरण होता था। तो रामदास जी महाराज भक्त जो थे वो डेली जाते थे डाकोर स्वामी के पास दर्शन करने। भगवान कृष्ण का ही एक रूप है ये जो डाकोर धाम में विराजे हैं। तो वहां पर जाते थे डेली अब, लेकिन उनकी आयु हो गई, लेकिन फिर भी किसी भी तरह करे आते जरूर थे। ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हो कि मेरा भक्त मेरे लिए कितने कष्ट सह के मेरे पास तक आता है। उन्होंने रामदास जी से कहा भी, अब आप मत आया करो। पर रामदास जी ने कहा, नहीं, आपके पास ना आऊं तो मेरा मन नहीं लगता। बोला ठीक है। आज संकीर्तन का, एकादशी का दिन संकीर्तन चल रहा था, इशारे से ठाकुर जी ने रामदास जी को अपने पास बुलाया। किसी को वो इशारा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस आंख से वो इशारा नहीं दिखता है। वो इशारा देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर की आंधरी आंखें, वो आंख चाहिए। इशारा किया और धीरे से कहा, सुनिए रामदास जी, अगली एकादशी को आना ना तो बैलगाड़ी लेके आना। बोला क्यों? बोला आप इस अवस्था में मेरे पास तक आते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली बार आप बैलगाड़ी लेके आना, मैं ही आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं प्रभु, यहाँ सबका क्या होगा? बोला यहाँ वालों से मुझे मतलब नहीं, आप गाड़ी लेके आना। आपसे सत्य घटना बता रहे हो। अगली एकादशी आई, रामदास जी आज बैलगाड़ी से आए। लोगों को लगा वृद्धावस्था है, चल नहीं पाते, इसीलिए बैलगाड़ी लेकर आए होंगे। लेकर आए, ठाकुर जी ने धीरे से कहा, सब सो जाएंगे ना, जब सबका ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो मैं पीछे की खिड़की खोलूंगा मंदिर के, और वहीं से आप मुझे गोद में लेकर चल देना। पर प्रभु आप तो इतने भारी में कैसे इस अवस्था में? बोला फूल से भी हल्का हो जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। जैसे सबका ध्यान अलग हुआ, इधर दरवाजा कपाट बंद किया गया मंदिर का, पीछे की खिड़की सरकार ने खोली और धीरे से कहा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। अब ठाकुर जी फूल की तरह हल्के हो गए। जैसे देखा ठाकुर जी को, बोला इतना सोना चांदी लाद के चलोगे? बोला हाँ, ये सब मेरा है, ठाकुर जी बोल रहे ये मेरा है, ये तो मैं ही रखूंगा। बोला नहीं नहीं, आप ये सब पहन के जाओगे तो मैं नहीं ले जाऊंगा आपको साथ। ये भक्त का भाव, आप ये सब पहन के चलोगे तो मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, सब उतारो। जो सेवा करते हैं इस पर उनका अधिकार है। बोला ठीक है, उतार देता हूँ। भगवान के सारे आभूषण उतरवा दिए। बोला हाँ अब ठीक है। एक वस्त्र में ठाकुर जी को ऐसे गोद में लिया, बैलगाड़ी में बिठाया, चल पड़े। अब इधर प्रातः काल की बेला है, दरवाजा खुला, देख रहे ठाकुर जी गायब। अब तो शोर सा मच गया, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए? एक ने कहा, रामदास जी आज बैलगाड़ी लेके आए थे, कभी नहीं आए, हमें तो लग रहा है पक्का उन्हीं के साथ चले गए हैं। अब खोज हुई, रामदास जी बैलगाड़ी से पीछे घोड़ों से पीछा किया गया। घोड़ों की आवाज सुनी, रामदास जी ने कहा, लो सरकार जिसका डर था वही हो गया, आ गए सब। बोला ऐसा करो, मुझे इस नदी में, इस सरोवर में छुपा दो। भगवान क्या करने में समर्थ नहीं है आप बताओ, पर भक्त के लिए कहते यहां मुझे छुपा दो। ठाकुर जी को वहां छुपाया, रामदास जी बाहर आए, खूब पिटाई की रामदास जी की, रक्त बहने लगा। लेकिन क्या देख रहे हैं, रामदास जी की गाड़ी में कहीं भगवान नहीं। सोचने लगे, अरे हमने झूठ में ही एक भक्त को इतना कष्ट दिया। तब तक एक की निगाह पड़ी कि रामदास जी बार बार सरोवर की तरफ देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। बोले ये बार बार उधर देख रहे हैं, उधर कुछ है क्या? जाकर देखा तो नदी का जो पानी था, सरोवर का जल, वो लाल हो गया था प्रभु के रक्त से। जितनी मार पड़ी रामदास जी को, ठाकुर जी ने सब अपने ऊपर ले लिया, बाहर निकाला। बोला सरकार आप साथ में चले। ठाकुर जी ने साफ कहा, अब तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, आपने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया, मैं नहीं जाऊंगा।
पर सरकार आपके बिना वहाँ भी तो भक्त हैं, उनका क्या होगा, हमारे जीवन धन हो आप। ठाकुर जी किसके मन की बात नहीं जानते भैया। अगर हम ये सोचे हम दिखने में भगत हो जाएं तो भगवान के लिए वे भक्त हैं, भूल में मत रहिएगा। मुँह ही कपट छल छिद्र ना भावा। सरकार को भी पता है कौन असली प्रेमी है और कौन स्वार्थवश प्रेम कर रहा है। ठाकुर जी ने उन लोगों से कहा, ऐसा करो तुम मेरे बराबर का सोना ले लो रामदास जी से, लेकिन मुझे इनके साथ रहने दो। अब इनके मन में थोड़ा लोभ आया कि भगवान का वजन तो भाई अच्छा खासा वजन है, इतना सोना मिलेगा बड़ी ये तो काम बन जाएगा। बोला एक काम करो और मैं अपना दूसरा एक प्रतिरूप दूंगा, उनको वहां बिठा दो और मेरे बराबर का सोना ले लो, मेरे वजन के बराबर। रामदास जी ने धीरे से ठाकुर जी के कान में कहा, आपके बराबर सोना, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, सोना कहाँ से लाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, हमें सब पता है आपके पत्नी की नाक की एक नथ रखी हुई है ना। बोला वो पतली सी नथ। बोला वो सब चिंता मत करो, हम उतने में ही तौल जाएंगे, एक नथ नाक की उतने में ही तौल जाएंगे, आप तो बस हाँ हाँ कह दो, हाँ ठीक है तौल देंगे सोने से। अब रामदास जी के घर पहुंचे, अब कुछ हो रामदास जी के पास, तब तो तराजू रखा गया, एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया, दूसरे तरफ रामदास जी की पत्नी के नाक की वो पतली सी नथ रखी गई। और ठाकुर जी की लीला देखो, नथ का भार ज्यादा हो गया, ठाकुर जी ऊपर हो गए। और ठाकुर जी क्या कह रहे, वैसे है तो हमारे वजन से ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भगत जी उदार है, ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। जब भगवान से प्रेम भर कर लो भैया, वो क्या नहीं करता आपके लिए। एक नथ से भी हल्का खुद हो गए कि मेरे भगत की लाज रह जाए, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तो बस मेरे भक्त के साथ रहना है। आप प्रेम करके तो देखो, आप एक बार उनको अपना मान के तो देखो। सत्य कहती हूँ, किसी चीज की फिर आपको कमी नहीं लगेगी, वो मिल जाए तो क्या चाहिए। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। राम जी हमारे गोरे हैं कि काले हैं बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, राम जी गोरे गोरे हैं कि काले काले। हाँ काले। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है
बैठे जो होगा क्या होगा आगे जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा जब कह रहे हो कि अब लगा बैठे तो जो होगा देखा जाएगा तो फिर इतनी आपके मन में संकोच शर्म और ये इतनी चिंता क्यों है जरा तालियों के साथ सभी लोग कहिए पहले सबके तालियों की आवाज आनी चाहिए सभी लोग के अरे पीटो ना लावा जैसा नहीं सरकार मुझे ऐसा डर लगता था कि अब मैं अगर राम राम कहना शुरू करूं तो लोग हंसेंगे चार लोग क्या कहेंगे भगवान ने कहा तो अब क्या अब डर नहीं लगता भक्त कहते हैं सरकार ले अब पर्दा उठा दे करेंगे
और अगर विरोध शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा रास्ता बिल्कुल पक्का है। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, बदनामी का डर नहीं लग रहा है क्या? बोला बदनामी का डर उसे लगता है जिसमें लाज शर्म हो। आपसे प्रेम करने के बाद तो मैंने शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा। देखा जाएगा, पहले गाइए तो सही। इन्हें अपना बना बैठे जो होगा, लगन इनसे लगा बैठे जो होगा। आप सब मिलके इतना ही बोल सकते, बस इतना ही आवाज है। आप भी बोलिए, भजन में ही कह रहे हैं ना, ले अब पर्दा उठा बैठे जो होगा। हाँ तो सब देखा जाएगा, भूल जाइए आजू बाजू कौन बैठा है, बस आप गाओ। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, जोर से लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। ले अब पर कपड़ा वाले ऐसे, रंग वाले ऐसे, चेहरे वाले, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे से गाइए। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, हाँ लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। आज तो जाके आप चार्ज भए हो, चार दिन आप दोनों हाथ ऊपर करो, सभी लोगों पर दोनों हाथ ऊपर करिए। और ये लाइव जा रहा है, घर जाके देखिएगा अपने आप को मोबाइल में, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा गलती हो जाए, जाके पिताजी से कहे हमसे आज ना ये हो गया, वो कहेंगे चिंता मत करो मैं देख लूंगा।
तो हमारे सिर पे तो भैया जगत पिता ऐसा मालिक ऐसा सरकार, जो गया गलती हुई वो बिसार दीजिए, वो भूल जाइए, अब बस हाथ जोड़ कर कह दीजिए, अरे अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, ओ महिमा भारी हो हम आए शरण तिहारी। इतना काफी